अच्छा जी, यहाँ पे आज इफ्तारी तो है ही है, एक और बड़ा दिलचस्प वाकया हो गया है हमारे साथ। हमारे पास ब्लैक एंड वाइट की टीम भी आ गई है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मरियम ज़फ़र, जो कि इस शो की होस्ट हैं, और साथ ही साथ हमारे जो एनालिस्ट हैं जनाब हसन निसार साहब भी बैठे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मरियम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मरियम, इतनी क्यों चुप चुप हो आज, इतनी दूर दूर क्यों हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल रोज़ा खुला है तो इस वजह से रोज़े के बाद थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है, वरना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कैसी लगी इफ्तारी आज की? अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बहुत मज़े का था, बारबेक्यू यम यम था। यम तो ये हसन साहब को भी साथ लेके आए हैं आप, आपका बहुत शुक्रिया। खुशी आ रही है। हसन निसार साहब नहीं, ये वहीद खान साहब हैं, और ये बड़े आज गुस्से में लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी गुस्से की बात नहीं है। हाँ, बात बड़ी सादा है। अब चूंकि मैं यहाँ करेक्टर बन के बैठा हूँ हसन निसार, जो मैंने बहुत किया है, आप तो हाँ जी, आप सवाल करें ना, अपने स्टाइल के शो के करती हैं आप। अच्छा साहब, चलें सादा सा सवाल करती हूँ, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर क्या तबसरा है आपका? नहीं, सवाल इस बार सादा नहीं होना चाहिए, सवाल इस बार है मसाले वाला। क्योंकि मुल्क में जो माहौल है, रमजान का महीना चल रहा है, बाबरकत महीना है, इसमें जो मैं समझता हूँ मलाई बोटी आज जो मैंने खाई है, ओ सुभान अल्लाह, क्या बात है उसकी। मलाई बोटी है ये? मुल्की हालात में मलाई बोटी कहाँ से आ गई? नहीं, जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं आज। अच्छा। नहीं, जिसके लिए आज इकट्ठे हुए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ बीबी। आई बीबी, डोंट कॉल मी बीबी। ओ बीबी, क्या बात करती हो, कहाँ रहती हो? मुझे सब बेब्स कहते हैं, मुझे बीबी कह रहे हैं। नहीं, मेरे मुंह से आपको बीबी लगती हूँ? मेरे मुंह से इस उम्र में अच्छा नहीं लगता। बात ये है कि जो मलाई बोटी है और जो सीख कबाब है, सीख कबाब आपको पता है मैंने खुद खड़े होके बनवाए। अच्छा। मैंने उसे बताया है कि ये है तरीका बनाने का, आप पिछले 75 साल से गलत सीख कबाब बना रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं, आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये होता है तरीका। मैंने जो उसके ऊपर छिड़काव किया मसाले का, सुभान अल्लाह। अच्छा मरियम, ये ऐसे ही करते हैं सेट पे भी? कैरी ऑन। मुझे बहुत एहतियात से बात करनी पड़ रही है। तो मरियम को सवाल कर लो आज इनसे, वैसे तो ये कोई जवाब नहीं देते ना, जरा आज को सवाल कर लो इनसे। हसन साहब, मेरे साथ बहुत लीनियंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मैंने उनके बारे में सुना था कि स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैंने अब तक जितना इनके साथ काम किया है, मेरे साथ ही सो लीनियंट। अच्छा, और अपनी बेटियों की तरह रखते हैं माशाल्लाह। ये तो एक, मैं नहीं कहूँगी कि वो सख्त हैं। अच्छा, तो बाकी बताओ ऐसे कैसे हैं, मतलब पर्सनल कैसे, लाइफ में कैसे हैं? हसन साहब के बारे में मैं ये कहूँगी कि वो एक मनछुए इंसान है, और खरे सच्चे, कोई लगी लिपटी, कोई बनावट नहीं, जो भी बात है चाहे आपको अच्छी लगे बुरी लगे, वो सच बोलेंगे, चाहे नागवार गुजरे। और जो रिसर्च वगैरह होती है, जो सवाल होते हैं, उसमें कितनी हेल्प करते हैं वो? हसन साहब का ज़्यादा पार्ट होता है, यानी कि वो हमारी टीम होती है बेसिकली साथ, हम उनको सजेस्ट करते हैं कि ये है, ये ऑनगोइंग सिचुएशन है, तो अंदर अपना वो जितना भी इनपुट होता है, होता है, वो करते हैं, करते हैं। अच्छा जी, हसन साहब ये बताइए कि जो खान साहब के साथ आजकल हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये ऐसा, वो आजकल कह रहे हैं कि जी मेरा कसूर क्या था, इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने एक बात की थी कि कुब्बे को लत रास आ गई है, लत कुब्बे को लत रास आ गई है, जो हुआ उसके साथ वो बड़ा खतरनाक हो के आएगा, वो आप देखना, आप सब गवाह हैं, मैं ये लिख के देता हूँ, मैंने लिख के पेन तोड़ दिया। आई, और उस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया, बड़ा मेरा पुराना शेर है, बहुत अच्छा। ये कौन सा वाला शेर है? नीचा दिया शनाई कोलों फैज किसे ना पाया, नीचा दिया शनाई कोलों फैज किसे ना पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया, चूहा गड्डी थले आया। वाह 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 वाह, ये कौन सा शेर है, ये आपने किसको किसके साथ जोड़ दिया? ये इस दो नंबर हसन निसार का शेर है ये। अच्छा जी, नाज़रीन जो लोग देख रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, जाहिर बात है हसन निसार साहब। नहीं, हसन निसार साहब, मैं अभी इसको आगे बिल्कुल बढ़ाता हूँ, बिल्कुल हसन निसार साहब की क्या बात, और बहुत से नौजवान उनसे सीखते हैं बिल्कुल, और जो उनके कॉलम्स हैं, जो उनका तरीका है बात का, या जो जिस तरह वो अपना शो करते हैं, आप उसका ऐसा है उस शो का, बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह, और तजिए जाहिर सी बात है, दौर सीखते हैं, दौर जो है, जिस तरह पॉलिटिकल सिनेरियो हमारा मुल्क का जो चल रहा है, तो उसमें
शायद लोगों को बहुत लगता होगा कि बायस्ड है या न्यूट्रल है या क्या है, ये चीज़ें होनी चाहिए. मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि देयर इज नो सच थिंग जिसको हम कहते हैं कि न्यूट्रल होना. या तो आप एंटी होते हैं या प्रो होते हैं, या होते हैं या नहीं होते, या होते हैं या नहीं होते. बिल्कुल. तो यही बात है. तो बहुत अच्छी शख्सियत है, गो के हर शख्सियत अपना एक अलग मिजाज रखती है. तो उनका थोड़ा सा मिजाज थोड़ा गर्म उसको कह लें, लेकिन वो हाँ तरीका है. लेकिन मैंने सुना है कि जो लोग जरा गुस्से वाले हों दिल के बहुत अच्छे होते हैं. इसमें कोई शक. तो हसन निसार साहब, आपसे माजरत के साथ हम आपके साथ छोटा सा मजाक कर रहे हैं. और हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके शोज देखते हैं बड़े शौक से. और मरियम जफर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. और मरियम, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और आपका बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया मायरा, आपने बुलाया बुलाया बल्कि हमारी इतनी डिलीशियस किस्म की इफ्तारी की. आई सो मच. ये मैंने इनको नहीं कहा था. नहीं, आपने कहा तो था ये बोलना है. मजाक कर रहे हैं सब लोग. चले जी, ठीक है. थैंक यू सो मच.